सनातन भारत राष्ट्र विजयंते तराम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ डी सचान और आप देख रहे हैं जिम्सी आजकल। आज हम आयुर्वेद पर बताएंगे कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद कितना ये जरूरी है आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में। ज्यादातर देखा यह गया है कि हमें कोई ना कोई आज के टाइम पे हमारा जो डेली रूटीन है, जिसे हम दिनचर्या कहते हैं, उस दिनचर्या की वजह से हमारे शरीर या हमारा शरीर व्याधियों और रोगों से ग्रसित रहता है, और इससे बचने के लिए आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा है जो आपको आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकता है। जी हाँ, तो शुरू करते हैं आयुर्वेद। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के बारे में जाने कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद का अर्थ प्राचीन आचार्यों की व्याख्या और इसमें आए हुए आयु और वेद, इन दो शब्दों के अर्थों के अनुसार बहुत व्यापक है। वेद शब्द के भी सत्ता, लाभ, गति, विचार, प्राप्ति और ज्ञान के साधन ये अर्थ होते हैं, और आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं, मतलब आयु के ज्ञान को, या आयु एक वैज्ञानिक कह सकते हैं कि आयु का विज्ञान जो आयुर्वेद इसे कहते हैं। अर्थात जिस शास्त्र में आयु के स्वरूप, आयु के विविध भेद, आयु के लिए हितकारक और अप्रमाण तथा उनके ज्ञान के साधनों का एक आयु के अपादान भूत शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनमें सभी या किसी एक के विकास के साथ हित, सुख और दीर्घायु की प्राप्ति के साधनों का तथा इनके बाधक विषयों के कारण या उसके निराकरण के उपायों का विवेचन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के आचार्यों ने शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा है। अर्थात जब तक इन चारों संपत्ति सद्गुण्य या विपत्ति वैगुण्य के अनुसार आयु के अनेक भेद होते हैं, किंतु संक्षेप में प्रभाव भेद से इसे चार प्रकार का माना गया है। सबसे पहले नंबर एक, जिसे कह सकते हैं सुखायु, किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक विकास से रहित, यानी किसी भी तरह का शारीरिक और मानसिक रोग से बाधित ना हो, यानी हम निरोगी होते हुए ज्ञान, विज्ञान, बल, पौरुष, धन, धन, यश, परिजन आदि साधनों से समृद्ध व्यक्ति को सुखायु कहते हैं। नंबर दो, जिसे दुखायु, इसके विपरीत समस्त साधनों से युक्त होते हुए भी शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित अथवा रोग होते हुए भी साधन हीन या स्वास्थ्य और साधन दोनों से हीन व्यक्ति को दुखायु कहते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे पर, जिसे कहते हैं हित आयु, स्वास्थ्य और साधनों से संपन्न होते हुए या उनमें कुछ कमी होने पर भी जो व्यक्ति विवेक, सदाचार, सुशीलता, उदारता, सत्य, अहिंसा, शांति, परोपकार आदि आदि गुणों से युक्त होते हैं और समाज तथा लोक के कल्याण में निरत रहते हैं, उन्हें हितायु कहते हैं। यानी जो लोक कल्याण में अपने आप को लगा रखा है, जन कल्याण में लोगों को हित करने के लिए,
अब चार नंबर पे आते हैं, चौथा अहित आयु। इसके विपरीत जो व्यक्ति अविवेक, दुराचार, क्रूरता, स्वार्थ, दंभ, अत्याचार आदि सद्गुणों से युक्त और समाज तथा लोक के लिए अभिशाप होते हैं, उन्हें अहितायु कहते हैं। याद रखिए, समाज तथा लोक के मतलब आप उन लोगों के जो कुछ ना करें और उसे एक अभिवासित अभिशाप होते हैं, उन्हें अहितायु कहते हैं। इस प्रकार हित, अहित, सुख और दुख आयु के ये चार भेद हैं जो भी आपको मैंने बताया। इसी प्रकार काल प्रमाण के अनुसार भी दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु, संक्षेप में ये तीन भेद होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आयुर्वेद के उद्देश्य। आयुर्वेद के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसके लिए अपने शरीर और प्रकृति के अनुकूल देश, काल आदि का विचार करना, नियमित आहार विहार, चेष्टा, व्यायाम, शौच, स्नान, शयन, जागरण आदि गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी शास्त्रोक्त दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन करना, संकटमय कार्यों से बचना, प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करना, मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखना, देश काल आदि परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर आदि की शक्ति और आशक्ति का विचार कर कोई कार्य करना, जैसे मलमूत आदि के उपस्थित वेगों को ना रोकना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि से बचना, समय समय पर शरीर में संचित दोषों को निकालने के लिए वमन, विरेचन आदि के प्रयोगों से शरीर की शुद्धि करना, सदाचार का पालन करना। तो ये मैंने आपको जो बताया। अब इसके दूसरे उद्देश्य को हम अगले भाग में बताएंगे। तो आज हम इसमें थोड़ा और एक दूसरे उद्देश्य को बताने से पहले, इस समय हम एक शीत ऋतु में अपने आप को हम कैसे अपने शरीर को ठीक रखें, जैसे खांसी, जुकाम वगैरह जो होते हैं, ये शीत में अक्सर होते रहते हैं, तो उसके लिए अदरक, आंवला और कच्ची हल्दी के सेवन से शरीर में क्या लाभ है। तो अदरक वैसे ये शरीर के लिए बहुत पोषक होती है। ये कफ शामक होती है। अदरक को अगर हम पानी के साथ में इसको उबाल करके और अगर इसको नित्य सेवन करें तो हमारे शरीर को जो सुबह सुबह कफ प्रकृति होती है उसको ये ठीक रखता है, जैसे गले में खराश और बार बार खांसी आना, इसमें ये काफ़ी हितकर होता है, यानी कि आराम मिलता है। दूसरे उसमें एक और इसके अदरक के जो गुण होते हैं, अदरक को कुछ छोटे छोटे पीस करके इसमें थोड़ा, जैसे लाहौरी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, जैसे वो थोड़ा मिला, उसमें थोड़ा नमक, वही सेंधा नमक और ये नींबू के दो चार बूंदे, इसको अगर खाने से पहले हम उसको ले और उसके 10 मिनट बाद हम अगर अपने खाने को यानी अपने भोजन करें तो ये भोजन हमारा ज़्यादा पाचक और ज़्यादा हमें स्वाद और
एक अरुचि जो होता है वो नहीं रहता है, यानी भोजन में बहुत ज़्यादा रुचि में लगता है। अब आते हैं इसमें आमला, इसी के साथ आमला, इसे आमलकी भी कहते हैं। आमला इस शीतकाल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम खाने से पहले एक या दो आंवले का रस हमें से दो एक या दो आंवले का रस हम अगर इसको लेते हैं और उसके 10 मिनट बाद अगर हम भोजन को करें तो भोजन ज़्यादा पाचक होता है और उसके जितने भी उसमें किसी भी तरह का जो हमारे शरीर में पोषक तत्व जाते हैं वो तत्व हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो आंवला और उसे आंवला आजकल बहुत ज़्यादा उसमें लेते हैं, आंवला की कैंडी आती है बाज़ार में उसे हम लेते हैं, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। अब आता कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी बाज़ार में मिलती है, लोग इसे बहुत कम लोग इसको सेवन करते हैं, लेकिन अगर आप हल्दी तो इसको आप तीनों चीज़ों को मिलाएं, अदरक आंवला और कच्ची हल्दी, इसमें थोड़ा नमक का रस, सॉरी आंवला इसका नींबू का रस और इसमें थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा इसमें अजवाइन, थोड़ी सौंफ, ये मिलाकर इसको खाएं तो हमारे शरीर को ये ज़्यादा पोषक रखता है, यानी पोषक तत्व मिलते हैं, हमारे शरीर स्वस्थ रहता है इस अगर इस शीतकाल में मिले। अगले भाग में हम आपको बताएंगे भूमि आमलकी के बारे में, तो आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं, हम फिर कुछ नया लेकर आयुर्वेद में आएंगे, तब तक अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।